स्वागत है आप सभी का हमारी और आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और BCECLE का तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग अब की बार BCECLE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम एक स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने खुद से पढ़ाई किया BCECLE का, इसके साथ साथ बहुत अच्छा रैंक लाए। तो आप लोग उनसे जानिएगा कि आखिर वो कैसे पढ़े थे, कि आखिर उनका उतना अच्छा रैंक, यानी उनका जो कैटेगरी रैंक है 21 है, आखिर कैसे पढ़े थे, आप लोग इस वीडियो के लिए मेरे साथ जो स्टूडेंट है इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो आपका नाम? चंदन कुमार हो गया। आपका रैंक कितना आया था EBC में? EBC में 21 था। और जो आपका 52 था। देखिए, और सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि BCECLE का जो एंट्रेंस एग्जाम है, आखिर इसमें कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए। और 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है, इंग्लिश होता है और मैकेनिक्स एंड मैथ होता है। और इसका जो कितने घंटे का एग्जाम होता है? एग्जाम होता है 2 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता, इसके बारे में क्या बोलिए? और 4 पे 1 होता है। देखिए, अगर आप लोग 4 क्वेश्चन को गलती कर दीजिएगा तो जो आपका 1 क्वेश्चन सही होगा वो भी गलती हो जाएगा, तो इसे आप लोग सतर्क हो जाइएगा। जितना क्वेश्चन आप सभी को आएगा उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाती रहे। और अगर आप लोग BCECLE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया गया है। तो जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आखिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे BCECLE एंट्रेंस। चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से पढ़ाई किए थे ताकि इनका अच्छा मतलब रैंक आ गया था। तो सबसे पहले आप बताइए इंग्लिश में आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के गए थे BCECLE का एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए? इंग्लिश में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ साले के कुछ मेनली टॉपिक पढ़ के गए थे, जैसे हो गया सिमिली, हो गया टेंस, हो गया और करेक्ट वर्ड, हो गया सिलेबल, हो गया वन ऑफ वर्ड, हो गया सिलेबल, हो गया ठीक है साइलेंट वर्ड, हो गया सब, मतलब कुछ कॉमन टॉपिक पढ़ गए थे। देखिए, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप लोग पास हो जाइएगा, और इंग्लिश ऐसा मतलब सब्जेक्ट है इसमें आप कम से कम 9 क्वेश्चन सही करने ही होंगे। देखिए, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कम से कम 9 क्वेश्चन को सही करना होगा। अगर आप लोग 9 क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं तो आप लोग मैथ मैकेनिक्स में कितना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें आपका रैंक जनरेट ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा वो सब्जेक्ट होगा, कौन सा होगा? इंग्लिश होगा। और अगर आप लोग BCECLE एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, और आप सभी को पहले ही हम बता चुके हैं कि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आखिर आप लोग किस पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक किए हैं या किस पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग BTEC के टाइम कौन सा मतलब ब्रांच को लेना। अब चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए थे तो उसके पहले मैकेनिक्स में आखिर कौन कौन से टॉपिक को पढ़े थे, तो चलिए बताइए। मैकेनिक्स के लिए फ्रिक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और टाइम एंड वर्क एंड एनर्जी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एंड फोर्स मोमेंटम पढ़ लीजिएगा, मोमेंटम फोर्स। अब वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी हो गया, और मैकेनिक्स में कुछ खास टॉपिक पढ़ के जाइएगा। देखिए, मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल वाला टॉपिक होगा आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें डिफिनीशन कम और न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, अब चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि आप मैथ में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ के गए हुए थे। मैथ तो मेरा स्ट्रॉन्ग था पहले से ही, तो मैथ को मैंने इगन वैल्यू मैट्रिक्स पढ़ लिए थे अच्छे से, और इंटीग्रेशन पढ़ लिए थे, सेकेंड फर्स्ट थर्ड तीनों पढ़ लिए थे इंटीग्रेशन को। देखिए, उसके बाद जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से पढ़े थे और सर्कल भी पढ़े। इसके साथ साथ जो BCECLE का एग्जाम में इसमें वेक्टर से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, अगर आप लोग वेक्टर को पढ़ लेते हैं तो मैकेनिक्स में भी काम करेगा और मैथ में भी काम करेगा। कर्ल भी पढ़ लीजिएगा, डाइवर्जेंस भी पढ़ लीजिएगा, और ग्रेस थ्योरम भी पढ़ लीजिएगा, तो कंफर्म आता ही है। देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि क्या बोलते हैं जो रॉल्स थ्योरम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
रैंक ऑफ मैट्रिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइगन वैल्यू है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अल्फा बीटा का वैल्यू वाला है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैट्रिक से डिटर्मिनेंट है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे तो आप लोग पढ़िएगा तो जो आप लोग का सिलेबस वो एक साल में कम्प्लीट होगा, लेकिन आप सभी को बस एक मंथ में मतलब पढ़ाई करके बी सी एस ई एली का एग्ज़ाम को निकालना है। और एक और बात आपसे बोलना चाहेंगे कि जितने क्वेश्चन आप सभी को आएगा आप लोग उतना ही को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा जो आप लोग का रैंक है मतलब बहुत हायर चल जाएगा। अगर हायर चल जाता है तो आप लोग का जो मनपसंद ब्रांच है और मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिल पाएगा। अब चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर इनका कौन से कॉलेज में और आखिर इनका कौन सा मतलब ब्रांच में एडमिशन हुआ है। मेरा कॉलेज हो गया एम सी मोतिहारी हो गया। आपका ब्रांच क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आपका इतना अच्छा रैंक आया था उसके बाद भी आप मतलब उसी ब्रांच को क्यों लिए? ब्रांच चेंज करने से थोड़ा बढ़ जाता है ना, थोड़ा टेंशन इसीलिए। अच्छा देखिए, इनका जो पॉलिटेक्निक था वो इलेक्ट्रिकल से हुआ था इसीलिए मतलब बीटेक में ट्रिपल ई ब्रांच को लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी क्या कीजिएगा, जिस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं आप लोग एक प्रयास कीजिएगा कि बीटेक भी उसी ब्रांच से। आपकी बड़ी एग्जाम देने वाले हैं उसके बारे में आप क्या बोलिएगा? पहले तो हम उनसे बेस्ट ऑफ लक करना चाहेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए और टाइम को मैनेज करके तैयारी कीजिए।